मेसोथेलियोमा ट्रीटमेंट, रोगी मेसोथेलियोमा रोगियों के लिए चिकित्सकों को तीन प्राथमिक उपचार प्रदान करते हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी और विकिरण। आपके द्वारा प्राप्त किए गए उपचार के प्रकार आपके निदान पर निर्भर करते हैं। मंच और आपके मेसोथेलियोमा के प्रकार और आपके समग्र स्वास्थ्य, यदि कैंसर अभी तक फैला नहीं हुआ है तो विकिरण, शल्य चिकित्सा और कीमोथेरेपी का एक संयोजन आपको पेश किया जाएगा। इलाज के लिए यह संयुक्त दृष्टिकोण मल्टी मॉडल थेरेपी कहलाता है। यदि मेसोथेलियोमा पहले से ही फैल गया है तो डॉक्टर आमतौर पर दर्द निवारक उपचार की सिफारिश करते हैं, जो दर्द, श्वास की समस्याओं और अन्य कैंसर के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं, जो आपकी गुणवत्ता को कम करते हैं। आप अभी भी विकिरण और कीमोथेरेपी की पेशकश की संभावना है, लेकिन संभवत चिकित्सा के कुछ प्रमुख विकल्प नहीं है। विकिरण चिकित्सा आपके तंत्रिकाओं, नसों और वायुमार्ग पर दबाव डालने वाले ट्यूमर को सिकुड़ने से, दर्द और सही सांस लेने के मुद्दों को ठीक कर सकती है। कीमोथेरेपी ट्यूमर को भी सिकुड़ते हैं। सीने में दर्द और रात पसीने में मदद करते हैं। गैर क्रियात्मक सर्जरी ट्यूमर को दूर कर सकती है, जो परेशानी के लक्षण पैदा करती है या छाती या पेट में द्रव्य का निर्माण करती है। आप सर्जरी, कीमोथेरेपी और विकिरण चिकित्सा से परे अन्य उपचार विकल्पों के बारे में अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। प्रायोगिक उपचार मौजूद है, ज़्यादातर नैदानिक परीक्षण में, और कभी कभी वे एक बड़ा अंतर बना सकते हैं। कुछ रोगी मसाज चिकित्सा, एक्यूपंक्चर या योग जैसी वैकल्पिक उपचारों का भी पीछा करते हैं। ये आमतौर पर कीमोथेरेपी जैसे मानक उपचारों में जुड़ा जा सकता है, इसलिए अपने चिकित्सक से बात करें कि आप कौन से चिकित्सा को तलाशना चाहते हैं। मेसोथेलियोमा सर्जरी, यदि आपका कैंसर अपेक्षाकृत फेफड़े या पेट के आसपास के स्तर में समाहित होता है तो आप आक्रामक सर्जरी के लिए पात्र हो सकते हैं। यह विकल्प संभावित रूप से रोगजनक हो सकता है। एक आक्रामक सर्जरी के अतिरिक्त आपको सर्जरी के बाद कैंसर की कोशिकाओं को मारने के लक्ष्य के साथ कुछ प्रकार के विकिरण और कीमोथेरेपी दी जा सकती है, यहाँ तक कि कम हल्के और अधिक उपशामक सर्जरी उपलब्ध है। अक्सर इनका उपयोग किया जाता है। यदि आप एक प्रमुख सर्जरी के तनाव का सामना करने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य नहीं है या यदि कैंसर पहले ही फैल चुका है, इन सर्जरी का लक्ष्य अपने कुछ लक्षणों को दूर करने
और बेहतर महसूस करने में आपकी सहायता करता है। इन सर्जरी के पहले या बाद में आप कीमोथेरेपी और विकिरण भी हो सकते हैं। कीमोथेरेपी का उपयोग ज़्यादातर कैंसर के इलाज में किया जाता है, जिसमें मेसोथेलियोमा शामिल है। कीमोथेरेपी दवाएं जो आमतौर पर आपके हाथ में नसों में एक आईवी द्वारा वितरित की जाती है, कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए डिजाइन किया गया है। मेसोथेलियोमा के साथ किसी के लिए सबसे आम और सबसे सफल कीमोथेरेपी दवाएं सिस्प्लाटिन और पेमेट्रेक्स्ट है, एक हल्के कीमोथेरेपी कॉकटेल जो कार्प्रोप्लाटिन के साथ पेमेट्रेक्स्ट का उपयोग करता है, अक्सर एक ही परिणाम प्राप्त करता है लेकिन कम साइड इफेक्ट के साथ। यदि आपके पास पेरिटोनियल मेसोथेलियोमा में है तो आप डॉक्टर गरम इंट्राट्रोनियल कीमोथेरेपी HIPEC नामक एक बहुआयामी उपचार का सुझाव दे सकते हैं। गर्म कीमोथेरेपी के रूप में भी जाना जाता है। यह उपचार शल्य चिकित्सा के तुरंत बाद दिया जाता है ताकि सूक्ष्म कैंसर कोशिकाओं को मारने में सहायता मिल सके। एक अध्ययन में 400 से अधिक पेरिटोनियल रोगियों को शामिल किया गया। HIPEC के बाद समग्र औसत उत्तरजीविता 4 साल से अधिक विस्तारित, क्योंकि कीमोथेरेपी दवाओं के कैंसर कोशिकाओं के साथ ही स्वस्थ कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। यदि यही कारण है कि कुछ रोगियों को कीमोथेरेपी न करने का चयन करना कई लोगों के लिए, हालांकि इस संभावना और अन्य नकारात्मक दुष्प्रभाव समय के साथ पहनते हैं और वे उल्लेखनीय सुधार अनुभव करते हैं। एक अच्छा विशेषज्ञ आपको अपने विकल्पों को समझने में मदद करता है। विकिरण उपचार रेडिएशन थेरेपी गैर विकिरण है जो कैंसर को लक्षित करने के लिए उच्च ऊर्जा किरणों का उपयोग करते हैं। ट्यूमर हटना या ट्यूमर के विकास को प्रबंधित करने में सहायता के लिए इसे आमतौर पर अन्य उपचार विकल्पों के साथ जोड़ा जाता है। यह कीमोथेरेपी करता है कि मजबूत साइड इफेक्ट नहीं है और यह अक्सर मेसोथेलियोमा के शारीरिक दर्द को कम करने में मदद करता है। हालांकि विकिरण विभिन्न अंगों के लिए विषाक्त हो सकता है और कैंसर की कोशिकाओं को मारने के दौरान DNA को नुकसान पहुंचा सकता है, यह केवल थोड़े प्रकार के मेसोथेलियोमा के साथ प्रयोग किया जाता है। शल्य चिकित्सा एक विकल्प नहीं है जब एक विकिरण की स्थिति में विकिरण का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मल्टी मॉडल थेरेपी, हालांकि प्रत्येक कैंसर उपचार के विकल्प के पास लाभ हो सकते हैं। कैंसर विशेषज्ञ अक्सर एक अधिक प्रभावी मल्टी मॉडल दृष्टिकोण का विकल्प चुनते हैं। शल्य चिकित्सा रसायन चिकित्सा और विकिरण के रोगी अनुरूप मिश्रण, यह रणनीति
प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञों शामिल करती है जो आपके लिए सही योजना है। कुछ लोग जो इस बहुआयामी दृष्टिकोण की कोशिश करते हैं वे मेसोथेलियोमा को नियंत्रित कर सकते हैं।